डंडों से पीट के हमारे पिता को मार दिया गया, हत्या हो गई। बेटा पिता को लेके भागा, गांव वालों ने अपराधियों को पकड़ लिया, अपराधियों को पकड़ के विधायक जी के घर लेके आए, और बजाय इसके कि सीओ वहां का क्षेत्राधिकारी उन हत्यारों पे कार्रवाई करता, उन अपराधियों पे कार्रवाई करता, उसने उल्टा जाकर विधायक जी की पत्नी को मारा, उनकी बहू को मारा, और उन हत्यारों को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। यह हो रहा उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी। इस तरीके से पुलिस अपराधियों की तरह उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। कल मैं जब विधायक जी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दौरान लखीमपुर खीरी पहुंचा, उनके बेटे से मुलाकात हुई, और जो कुछ भी जानकारी उनके बारे में मिली और जो पहले से भी जानकारी थी, निर्वेंद्र मिश्रा जी एक ईमानदार, लोकप्रिय, जनता के लिए संघर्ष करने वाले, उनकी सेवा करने वाले नेता थे। दो बार निर्दलीय विधायक बनना कोई सामान्य बात नहीं है, और ऐसी व्यक्ति की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में। उनकी पत्नी को पुलिस वाले जाके मारते हैं, उनकी बहू को मारते हैं, उनके बेटे को मारते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जब उनके बेटे संजीव से मुलाकात हुई, तो उसकी वो लाइन अभी भी कानों में गूंज रही है कि चाचा, मेरे पिता को पुलिस वालों ने गीदड़ों से मरवा दिया, मेरे पिता शेर थे। ये उनके बेटे संजीव का बयान था। मैंने तीन मांग की, और उनके परिवार वालों से बात करके उनके जो मुद्दे थे उसके हिसाब से बात मांग रखी। नंबर एक, इस हत्या में अपनी संदिग्ध भूमिका निभाने वाले क्षेत्राधिकारी उस सीओ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए। नंबर दो, पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए पूरे मामले की। नंबर तीन, उनके परिवार को एक ईमानदार, जीवन भर ईमानदारी से अपना जीवन जीने वाले निर्वेंद्र मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए, सहयोग राशि दी जाए। योगी जी मुझसे नाराज हो जाते हैं, हमारी पार्टी से नाराज हो जाते हैं। 12-12 मुकदमे करवा चुके हैं, पार्टी का दफ्तर बंद करवा चुके हैं। मेरा अपराध क्या है? मैं यही कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार और अन्याय उनके साथ हो रहा है, दलितों की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही बात मैंने कही। और निर्वेंद्र मिश्रा जी के मामले में एक ईमानदार व्यक्ति की हत्या हो गई, एक ईमानदार विधायक की, एक जननेता की हत्या हो गई, और उस मामले में जब मैं परिवार से मिलकर लौट रहा था, तो सीतापुर में अटरिया में योगी सरकार की पुलिस ने पहले तो मेरे गाड़ी के अंदर एक इंस्पेक्टर बिठाल दिया, उसके बाद गाड़ियों का काफला, पुलिस वाले आगे पीछे, यानी उत्तर प्रदेश की जनता मर रही है, बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस नहीं है। संजय सिंह के आगे पीछे घेरा बनी, बंदी बना के पुलिस वाले चल रहे थे, और मुझे अटरिया में ला के एक गेस्ट हाउस में बगैर बताए एक राज्यसभा सांसद को लाके उस गेस्ट हाउस के अंदर रोक दिया गया, और वहां पे नागेंद्र प्रताप सिंह एक एसपी रूरल था, जो एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी था, वो उससे मिला तो मुझसे नमस्कार करके कहता है, संजय सिंह जी मेरा नाम नागेंद्र प्रताप सिंह है, मैं एडिशनल एसपी हूं, और बाय द वे मैं भी ठाकुर हूं।
ये टोन था उसके बात करने का। और उसके बाद एक कमरे में बिठाल दिया गया, डिटेन किया गया इलीगल तरीके से। चलो यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि किस कारण से मुझे डिटेन किया गया, किस कारण से मुझे वहां रोका गया। मेरे घर पे पुलिस भेज दी गई, मेरी पत्नी के फोन नंबर पे पुलिस वाले ने फोन किया, शराब पी के दरोगा घर पहुंच गया, उसने कहा संजय सिंह जी कहां है बुलाइए। योगी जी, माफिया जगत में भी माफियाओं के भी कुछ नियम होते हैं कि एक दूसरे के परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन तुम्हारी मानसिकता का स्तर और तुम्हारी सरकार का स्तर माफियाओं से भी ज्यादा गिरा हुआ है नीचे। और मैं आज तुमको फिर कह रहा हूं योगी जी, अपने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा लो, जितने मन में आए मुकदमे लिख लो, जितनी चाहे लाठियां चलवा लो, जेल भेजना चाहते हो जेल भेजो, लेकिन तुम्हारी बंदर घुड़कियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। तुमने 12 मुकदमे लिखवाए, 1200 मुकदमे लिखवा लो, 1700 थानों में मुकदमे लिखवा लो। इस तरीके से मुझे रास्ते में रोक के मेरे घर पे पुलिस भेज के आप क्या बताना चाहते हो कि मैं ब्राह्मणों पे हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाना बंद कर दूंगा, मैं उनकी हत्याओं का मुद्दा उठाना बंद कर दूंगा, मैं एक ईमानदार विधायक के बेटे जिसने मुझसे कहा चाचा मेरे पिता को जो शेर थे उनको गीदड़ों से पुलिस वालों ने मरवा दिया, उनके मुद्दे उठाना बंद कर दूंगा इस डर से कि तुम मुझे जेल में भेज दोगे। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान करता हूं योगी जी, जिस दिन कहोगे दो आदमी के साथ नहीं अकेले कालिदास मार गाऊंगा, अकेले दो नहीं हिंदुस्तान नहीं दुनिया के जिस कोने में रहूंगा, जितना समय आने में लगेगा उतने समय में तुम्हारे कालिदास मार्ग के आवास पे आऊंगा। और तुम पुलिस के घेरे में चलते हो, मैं कोई सुरक्षा का घेरा लेके नहीं चलता। तुम हथियारों के घेरे में चलते हो, मैं कोई हथियार लेके नहीं चलता योगी जी, और तुमसे डरता नहीं, तुम्हारी सरकार से डरता नहीं। तुम भाजपाइयों के असली चेहरे में जानता हूं, और मैंने तुमसे कहा माफियाओं के भी कुछ नियम होते हैं, एक दूसरे के परिवार के साथ छेड़खानी नहीं करते, उनको तंग करने का काम नहीं करते। तुम्हारा स्तर, तुम्हारी सरकार का स्तर उन माफियाओं से भी ज्यादा नीचे है। आज फिर से एक बार उनके परिवार से मेरी बात हुई, अभी अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। लखीमपुर खीरी का एसपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले कहता है उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। आईजी लक्ष्मी सिंह जी जो है वहां की, उनका बयान आ जाता है कि 107-16 का मुकदमा इन लोगों के ऊपर पहले हो चुका है। अरे भाई, 107-16 के मुकदमे में दो पार्टी होती है, आप कह रहे हो 107-16 में विधायक और विधायक के बेटे के खिलाफ पहले मुकदमा हो चुका है, दूसरी पार्टी कौन थी, उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने, क्या मंशा आपकी। इसलिए अभी उनके परिवार से मेरी फिर बात हुई जब मैं यहां आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उस सीओ के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इससे कम में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। आम आदमी पार्टी, अगर सरकार ने, योगी जी की सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की इस मुद्दे पर, तो पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और तुम्हारी बंदर घुड़कियों से तो बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। कल मुझे हंसी आ रही थी, तुमने इलीगल तरीके से मुझे डिटेन किया, सामने से वार करिए ना योगी जी, सामने से लड़िए ना। ये बच्चों के तरीके आप अपनाते हैं, इन पुलिस वालों को भेज दो, उन पुलिस वालों को भेज दो,
ऐसे डरने वाले कोई और होंगे। संजय सिंह को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुमसे कह रहा हूं योगी जी, जिस दिन बोलोगे अकेले आऊंगा तुम्हारे कालिदास मार्ग के मकान में, दो आदमी लेके नहीं आऊंगा, और ना मैं सुरक्षा घेरा लेके चलता हूं, ना बंदूक हथियार लेके चलता हूं, ना कोई माफिया हूं, ना चोर हूं, ना उचक्का हूं, लेकिन तुम्हारे असली चेहरे को, तुम्हारे सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करता रहा हूं, बेनकाब करता रहूंगा। हुई है प्रभात मिश्रा की हत्या, नाबालिग घोषित होने के बाद आज भी एक नवविवाहिता जो एक परिवार की, ब्राह्मण परिवार की अस्मिता है, वो खुशी दुबे आज भी जेल में बंद है। ये मुद्दा उठाऊंगा। दलितों के हत्याएं हो रही है लालगंज में, कि दलित युवक को रिक्शे वाले को लाके थाने में पीट के मार दिया गया, आज मैनपुरी में एक दलित युवक की लिंचिंग करके मार दी गई, ये मुद्दा उठाऊंगा। और तुम्हारी इन बंदर घुड़कियों से, एफआईआर और जेल से हम डरने वाले नहीं है। तो ये जो कल का प्रकरण हुआ है, इसमें विशेषाधिकार का नोटिस मैं उस एडिशनल एसपी एनपी सिंह के खिलाफ, और जो दरोगा मेरे घर आया था और मेरी पत्नी को रात में 11 बजे उसने फोन करके और एक प्रकार से धमकी भरे शब्दों में ये कहने की कोशिश की कि संजय सिंह कहाँ हैं, वो आए तो मुझे मिलना बताना, उन दोनों के खिलाफ मैं नोटिस भी दूंगा संसद के अंदर। और 14 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रहे गुनाह, उत्तर प्रदेश में हो रही सरकारी दादागिरी, उत्तर प्रदेश में हो रही योगी सरकार की गुंडागर्दी को देश के सर्वोच्च सदन में, पार्लियामेंट के अंदर बेनकाब करने का काम करूंगा। 14 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, उत्तर प्रदेश में अपराधों का मुद्दा और योगी सरकार की तानाशाही और तुगलकी का फरमानों का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। मेरे साथ दिल्ली के चीफ व्हिप भाई दिलीप पांडे जी, जो विधानसभा दिल्ली के मुख्य सचेतक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। नदीम अशरफ जी जो हमारे सह प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। मुख्य प्रवक्ता हमारे वैभव महेश्वरी जी हैं, वो हैं। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे भाई दिलीप पांडे जी से कि वो अपनी बातें कहें।